मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सही सुन रहे हैं आप, मैं पूरी खबर आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, मामा इसलिए कहा जाता है, उन्हें बहुत पसंद है हर बच्चा उन्हें मामा कहे। लेकिन जान लीजिए, जो व्यक्ति खुद को मामा कहलवाता है उसने अपने भांजे और भांजियों का हक मार लिया है। उनके हक पर डाका डालने का काम मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अभी शुरुआती जांच में पता चला है 110 करोड़ का घोटाला सामने आ गया है, उजागर हो गया है, और मामा शिवराज सिंह चौहान जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारी असली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, 110 करोड़ का घोटाला जो सामने आया है, तो क्या इसमें भी आपको हिस्सा मिल रहा है? आप चुप हैं, अभी तक आप मामा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? और ऐसा नहीं है मैं मामा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। कैग सीएजी की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने बता दिया कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, खाद्यान्न घोटाला है। आपको पता होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए पोषाहार भेजा जाता है, जिन्हें आप गांव की लैंग्वेज में सत्तू कहते हैं। पोषाहार को नहीं भेजा गया और कहा गया साहब हमने तो इतने करोड़ रुपए का पोषाहार भेज दिया है। बकायदा ट्रकों के नंबर जारी किए गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये लोग मोटरसाइकिल का नंबर, स्कूटी का नंबर, ट्रैक्टर का नंबर, टैंकर का नंबर, इन सब के नंबर थे और कहा गया ये सब ट्रक के नंबर है और इन ट्रकों के जरिए पोषाहार को भेजा गया। अरे मामा शिवराज सिंह चौहान, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? आप लोग सिर्फ दिन भर हिंदू मुसलमान करवाते हैं, आप लोग सोचते हैं देश की जनता हिंदू मुसलमान में उलझी रहेगी, लेकिन जब सच सामने आ गया तो आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आपके एक मंत्री जी हैं, बड़े अच्छे मंत्री हैं, नाम है नरोत्तम मिश्रा, ये गृह मंत्री हैं। ये कहते हैं साहब कैग की रिपोर्ट कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं होती और ये आखिरी सत्य भी नहीं है। लेकिन ये नहीं कहते हैं इस मामले की जांच सीबीआई से हो, ये नहीं कहते हैं तमाम एजेंसियों के माध्यम से इस मामले की जांच हो। सोचिए, कैग जो है एक तरीके से वो भी भारत सरकार के अंडर में काम करता है। जो कैग के चीफ होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, फिलहाल वे भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े कर रही है और बीजेपी चुप है। एनडीटीवी ने खुलासा किया है, एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ हैं, स्टेट हेड हैं अनुराग द्वारी। अनुराग द्वारी के हाथ में कई की रिपोर्ट लगी है और अनुराग द्वारी ने बकायदा जांच पड़ताल करने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया है। आप एक बात और जान लीजिए अनुराग द्वारी के बारे में। अनुराग द्वारी जो हैं एनडीटीवी में पत्रकार हैं और हर एक वक्त वे सच के साथ खड़े रहते हैं और इस बार उन्होंने एक खुलासा कर दिया। अनुराग द्वारी की सच्चाई और है, शिवराज सिंह चौहान सच्चाई एक और है। शिवराज सिंह चौहान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया को इन्वाइट करते हैं, अनुराग द्वारी को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। अनुराग द्वारी अगर पहुंच भी जाते हैं तो उनके द्वारा कह दिया जाता है उनके प्रांगण में अनुराग द्वारी कहीं से एंट्री ना होने पाए। सोच लीजिए एक पत्रकार से एक राज्य के सीएम कितना डरते हैं, कितना खौफ खाते हैं, अपने में बड़ा सवाल है। रवीश कुमार जो एनडीटीवी में रात 9 बजे प्राइम टाइम करते हैं, वे कई बार कहते हैं अनुराग द्वारी को इन्विटेशन नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग द्वारी को बुलाया नहीं गया। जो तमाम ग्रुप्स हैं बीजेपी के, उन ग्रुप्स में अनुराग द्वारी को ऐड नहीं किया जाता कि अनुराग द्वारी के पास
कोई सूचना ना आने पाए, और अगर अनुराग द्वारी के पास कोई सूचना आती है, कोई जानकारी आती है, तो हो सकता है अनुराग द्वारी सच्ची पत्रकारिता करे। और जब सच्ची पत्रकारिता होगी, ईमानदारी पत्रकारिता होगी, ये जो सफेद पोश है, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इनके काले कारनाम सामने आ जाएंगे। मैं तमाम रिपोर्ट्स बता देता हूं। देखिए, एनडीटीवी इंडिया ने लिखा है, मामा का अनाज घोटाला, पोषण आहार योजना को लेकर घिरे सीएम शिवराज सिंह चौहान पर विपक्ष का हमला। एबीपी न्यूज ने लिखा है, एमपी फूड स्कैम, मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की एक गोपनीय रिपोर्ट ने महिला बाल विकास विभाग में बड़ा घोटाला उजागर किया है। इस रिपोर्ट में सामने आया कि करोड़ों का कई किलो वजनी पोषण हार कागजों में ट्रक पर लाया गया, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो स्कूटर से लाया गया है, बाइक से लाया गया है, टेम्पो से लाया गया है, ट्रैक्टर से लाया गया है। देखिए, इसके बाद में आशुतोष हैं, आशुतोष पत्रकार है, ये लिखते हैं, बिहार के चारा घोटाले जैसा है मध्य प्रदेश का पोषण आहार घोटाला, बच पाएंगे शिवराज सिंह चौहान? तो वहीं लिखते हैं कि तो अनुराग द्वारी ट्वीट करते हैं, एक गजब सिद्धांत है बीजेपी फॉर इंडिया, जब विपक्ष में थी तो सीएजी का रिपोर्ट ध्रुव सत्य है, याद है 2G 3G, और आज ये अंतिम सत्य नहीं है सर, विशुद्ध हिंदी में इसे ही थेथरई कहा जाता है। अमा का अनाज घोटाला, पोषण आहार योजना पर एनडीटीवी की रिपोर्ट को लेकर के घिरे शिवराज सिंह चौहान पर अपोजिशन लगातार हमला कर रहा है। तो वही जो दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, लिखते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मामू को अब अपनी काली कमाई के धनबल पर इतना भरोसा हो गया है कि वे समझते हैं सभी बिकाऊ हैं, ये तंज कस रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पर, मामू कह करके सब बिकाऊ हैं। इन्हें लगा था एनडीटीवी भी बिकाऊ है, एनडीटीवी बिक जाएगा, एनडीटीवी सच को उजागर नहीं करेगा, एनडीटीवी सच को सामने नहीं लाएगा, लेकिन सच सामने आ गया है और अब वे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं पर आकर खड़ा होता है कि क्या इन पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एबीपी न्यूज लिखता है, एमपी फूड स्कैम, मध्य प्रदेश में पोषण आहार में बड़ा घोटाला आया सामने, बाइक ऑटो के नंबर पर बनाए गए ट्रकों के बिल, सोचिए ये हो क्या रहा है हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। एबीपी न्यूज आगे लिखता है, फिर 110.83 करोड़ रुपए के मूल्य के राशन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सोचिए 110.83 करोड़ का घोटाला अभी तक सामने आया है, जांच होगी तो पता चलेगा कि जो स्कैम है, घोटाला है, कब से चल रहा है। वैसे जो विभाग है, महिला बाल विकास विभाग, अधिकतर किसी महिला मंत्री के पास होता है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, शिवराज सिंह चौहान ने इस विभाग को अपने पास ले रखा है और घोटाला जबरदस्त हो रहा है। और अगर इस घोटाले की जांच होती है तो इसके बाद तमाम परत दर परत दर परत और घोटाले सामने आएंगे, तो पता चल जाएगा बीजेपी जो तोड़ जोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, सरकार बनाने के पैसे कहाँ हैं, और जो घोटाले हो रहे हैं इसका पैसा कहाँ जा रहा है। क्या बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली आ रहा है, या आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर जा रहा है, या मामा शिवराज सिंह चौहान इस पैसे को खुद रख रहे हैं। लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे है, आप कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हम लोग कतई नहीं बख्शेंगे, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जवाब देंगे आप? आपके पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिला जुला करके है, जो आदमी खुद को मामा कहलवाना पसंद करता है, बच्चों के हक पर, उनके अधिकार पर डाका डालने का काम मामा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खुलेआम किया जा रहा है, जो कि बेहद ही निंदनीय है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, मुझे पता है, इसीलिए आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और आप लोग चुप हैं। कम कम बच्चों को छोड़ देते, उनके हक पर, उनके अधिकार पर आप लोग डाका तो ना डालते, आप लोग बच्चों के अधिकार पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश बहुत जल्दी
कुपोषित राज्यों की श्रेणी में नंबर वन पायदान पर पहुंच जाएगा। वैसे भी अपराध के मामले में लगातार नंबर वन बनता जा रहा है और यहां पर भी नंबर वन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इस तरीके से घोटाले होते रहेंगे। पूरी वीडियो पर आप लोगों क्या राय है आप लोग अपनी राय में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।